अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट जोया मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्योंकि जमहूरियत है। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे। हाँ साहब, अगले 5 साल ना हम आपकी हुकूमत को तंग करेंगे ना आप हमें तंग करना। अब पाजी को बचाता हूँ। मेरे पाजी कहाँ गए? थैंक यू NRO, तुम ही तो हो। आज कैसे भाई हो, खुद को बचा रहे हो और मुझे नहीं? काहे की यार पार्टी कॉन्फ्रेंस, ये तो सब अपने अपने हार का दुख बांटने के लिए इकट्ठे हुए थे। अच्छा किया शहबाज श्री साहब आप आगे, मेरे पास आपके लिए एक काम है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, काम जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या काम है? अरे हम अपना हलका खुलवाने आए हैं, अभी और इसी वक्त हमारा हलका खुलवाए वरना हम एहतजाज करेंगे। बस इतनी सी बात, हलका खुलवाना है तो अभी खोल देते हैं। जी बताइए क्या प्रॉब्लम है आपके हलके में? मिसिंग करता है, पेट्रोल ज्यादा खाता है या हलका स्टार्ट नहीं हो रहा? हाय हाय, कमबख्त इतना नमक, नमक लगे तुम्हारे लीडर को। हर वक्त तो इसका ध्यान पीटीआई के जलसों में होता है, जलसों से ध्यान हटेगा तो ही ढंग का खाना बनाएगी। जिस किचन में ना है लीडर की तस्वीर लगी हो वहाँ खाना ऐसा ही बन सकता। मोहतरमा, आपने कहीं मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो नहीं देखा? बिल्कुल देखा, अभी अभी कल ही तो टीवी पर एहतजाज का ऐलान कर रहे थे। अरे क्या एहतजाज करेंगे मौलाना, हम तो किसी मायर नफ्सियात को ढूंढ रहे उनके इलाज के लिए। अल्लाह खैर, मौलाना तो बिल्कुल सेहतमंद बल्कि भारी सेहतमंद है, उनका तो दिमाग भी बहुत तेज चलता है। अरे दिमाग तेज नहीं चलता बल्कि चल जाता है। डील की पेशकश निगाहों से जुबान तक पहुंचे, बात चलने के लिए है, अब देखें कहां तक पहुंचे। पनामा तो पनामा, अकामे पे भी ना छोड़ा हमको, हकूमत से जेल की तरफ है मोड़ा हमको। गले पड़ गई बात मखलूक खलाई की, गले पड़ गई बात मखलूक खलाई की, अवाम ने इलेक्शन में खूब धोलाई की। कोई NRO करवाओ, उन्हें किसी तरह मनाओ, जेल से निकालो हमें, लंदन ही पहुंचाओ। मुझे उस हलके से हराया गया शहजादी साहिबा जहां से मैं 25-25 हजार वोटों से जीता करता था। इस बार आप हारे भी 25-30 हजार वोटों से हैं। कैप्टन सफदर ने नैब को दरख्वास्त दी है कि मुझ पर इल्जाम भी कोई साबित नहीं हुआ और सजा भी बहुत लंबी सुनाई गई है। सफदर साहब को 1 साल की सजा भी लंबी लग रही है, कहीं उन्हें बेगम के साथ कैद तो नहीं कर दिया गया? शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब को बचाने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं, आइए इस पर देखते हैं एक एड की पैरोडी। बचाओ 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 बचाओ। Yeah!
मेरे पाजी आप, मैं समझा कोई आजाद उम्मीदवार जागीर तरीन से खुद को बचा रहा है। और मेरे तो गुर्दे भी फेल हो चुके हैं, बचाओ नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं पाजी, गिर तो आप काफी पहले ही गए थे। बस कुछ करो, कैसे भी करके मुझे बचाओ। चाहता तो हूँ मगर कैसे बचाऊं, पानामा कैसे बचाऊं, तो असगर खान केस का मसला, असगर खान वाले केस से बचाऊं तो लंदन वाली प्रॉपर्टी केस का मसला, उससे बचाऊं तो 20 और केस खुल जाते हैं। कैसे बचाऊं, किस किस केस से बचाऊं? एनआरओ सुपर ऑफर से। अरे इमरान की हुकूमत से एनआरओ करवाओ, मेरी और अपनी बचत के लिए अगले 5 साल तक मैच से भी बचाओ, और फिर एनआरओ करो, हम सबको बचाओ। हाँ साहब, अगले 5 साल ना हम आपकी हुकूमत को तंग करेंगे ना आप हमें तंग करना। अब पाजी को बचाता हूं। मेरे पाजी कहां गए? थैंक यू एनआरओ, तुम ही तो हो। भाई कैसे भाई हो, खुद को बचा रहे हो और मुझे नहीं। बचा तो वो ले, लेकिन वो खुद बच जाएंगे। सॉरी, आपका आपस का मामला है। ये कैसा ख्वाब था, शबाज खुद को बचा रहे और मेरी कोई फिक्र ही नहीं। इसहाक डार साहब ने कहा है कि डॉक्टर ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए लंदन में रहने का मशवरा दे दिया है। इसका मतलब ये कि इसहाक डार साहब के साथ साथ उनके डॉक्टर्स को भी यहाँ उठाकर लाना पड़ेगा। तब्दीली खान साहब लोगों के मसाइल किस तरह हल करेंगे, आइए देखते हैं। खान साहब, आवाम के इतने मसले, इतने मसले, इतने मसले तो रियाजी की किताब में भी नहीं है। आप पर बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है। खान साहब, आप फिक्र ना करें, मैं आपकी सारी भारी जिम्मेदारियां अपने ताकतवर कंधों पे उठा लूंगा। खटक साहब, एक कोट आप पहन लें, उसका वजन तो आपसे उठाया नहीं जाता। रहने दें, मैं खुद संभाल लूंगा जिम्मेदारियां। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं। मेरा मतलब है हाँ साहब, आप वजीरे आजम बनने वाले हैं, अब हमारे मसाइल आप ही हल करेंगे। खान साहब, 73 के आइन के तनाजुर में हैं, मेरे तमाम मसाइल अब आप हल करेंगे। फिक्र न करें खान साहब, के पास बहुत सारे मसलों का हल है, आप बस मसले बताएं। एक मिनट शेरी साहबा, अब आप बताएं आपका क्या मतलब है। क्या बताऊं हाँ साहब, मेरे पाजी, मेरा मतलब है मेरे बड़े भाई अपने दामाद और बेटी के साथ जेल में है, सब कुछ उनके बच्चों ने किया, लेकिन सजा उनको मिल गई है। बच्चों की करने की सजा वालदैन को ही मिलती है। देखें भाई, जो भी नाम है आपका, मैंने तो जेल में एक ही फैमिली बजवाई थी, आपकी फैमिली को किसने जेल में बजवाया? उनकी अकड़ ने। मेरा मतलब है पहले आप मेरा मसला हल करें। 10-12 प्लेटें बिरयानी खाने के बावजूद भी मेरी भूख नहीं मिटती। बिरयानी खाते हैं, 7 प्लेटें भी खा जाते हैं। एक मिनट, आप पर किसी करप्शन के जिनका साया? ये खुराक आपने एक रात सोने के बाद और एक सुबह उठने से पहले ली, इससे आपको भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। हजरत श्री साहिबा, मेरा मसला भूख नहीं है, बल्कि मेरा मसला ये है कि मेरी बिरयानी मेरी भूख से पहले खत्म हो जाती है। एक मिनट मौलाना साहब, आप पहले मेरा मसला हल करें, मेरे पाजी की जान छुड़ाएं।
अब तो उनकी अपील अवाम की अदालत से भी मुस्तरद हो गई। आप बिल्कुल शहबाज शरीफ जैसी बातें करते हैं, आप कहीं इंजीनियर तो नहीं है? पहले हमारे मसले पर गौर करें। कल से सराजुल्लाह साहब मुझे धमकियों वाले मैसेजेस कर रहे हैं कि इलेक्शन में तुम्हारी वजह से मुस्तरद हुए। अब और तो और उन्होंने घर से हलवा भिजवाना भी बंद कर दिया। एक मिनट, मौलाना साहब आपकी आल पार्टी मुस्तरद कॉन्फ्रेंस फिर से मुस्तरद हो गई है क्या? काहे की आल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ये तो सब अपने अपनी हार का दुख बांटने के लिए इकट्ठे हुए थे। अच्छा किया शहबाज श्री साहब, आप आगे मेरे पास आपके लिए एक काम है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, काम जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या काम है? शहर में बारिश के पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है, बस अपनी बांस पकड़ कर पानी निकालने। और मौलाना साहब आपने पानी में से डड्डू पकड़ के बरसाती नाले में फेंकने। अरे हम अपना हलका खुलवाने आए हैं, अभी और इसी वक्त हमारा हलका खुलवाए वरना हम एहतजाज करेंगे। बस इतनी सी बात, हलका खुलवाना है तो अभी खोल देते हैं। जी बताइए क्या प्रॉब्लम है आपके हलके में? मिसिंग करता है, पेट्रोल ज्यादा खाता है या हलका स्टार्ट नहीं हो रहा? हाय हाय, कमबख्त इतना नमक, नमक लगे तुम्हारे लीडर को। हर वक्त तो इसका ध्यान पीटीआई के जलसों में होता है, जलसों से ध्यान हटेगा तो ही ढंग का खाना बनाएगी। जिस किचन में ना है लीडर की तस्वीर लगी हो वहाँ खाना ऐसा ही बन सकता। ओ मोहतरमा, आपने कहीं मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो नहीं देखा? बिल्कुल देखा है, अभी अभी कल ही तो टीवी पर एहतजाज का ऐलान कर रहे थे। अरे क्या एहतजाज करेंगे मौलाना, हम तो किसी मायर नफ्सियत को ढूंढ रहे उनके इलाज के लिए। अल्लाह खैर, मौलाना तो बिल्कुल सेहतमंद बल्कि भारी सेहतमंद है, उनका तो दिमाग भी बहुत तेज चलता है। अरे दिमाग तेज नहीं चलता बल्कि चल जाता है। डील की पेशकश निगाहों से जुबान तक पहुँचे, बात चलने के लिए है, अब देखिए कहाँ तक पहुँचे। पनामा तो पनामा, अकामे बेबी ना छोड़ा हमको, हकुमत से जेल की तरफ है मोड़ा हमको। गले पड़ गई बात मखलूक खलाई की, गले पड़ गई बात मखलूक खलाई की, अवाम ने इलेक्शन में खूब धोलाई की। कोई NRO करवाओ, उन्हें किसी तरह मनाओ, जेल से निकालो हमें, लंदन ही पहुंचाओ। उस हलके से हराया गया शहजादी साहिबा जहां से मैं 25,000 वोटों से जीता करता था, इस बार आप हारे भी 25,000-30,000 वोटों से हैं। आज तलाक के वक्त उसी हक मेहर का दोबारा मुतालबा कर दे जो वो निकाह के वक्त पहले ही ले चुकी है। फारूक सत्तार साहब धांधली पर किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, आइए देखते हैं। आइए आइए, तशरीफ रखिए। हमें बैठने का मत बोलिएगा, बैठना होता तो हम डॉक्टर आमिर लियाकत के हक में बैठ जाते। तो खड़े रहें, आपकी टांगे हैं, आपकी मर्जी।
वल्लाह आपने तो तंज फरमाना शुरू कर दी। हमें पता है कि शुरू से आप जानिबदार हैं। हजूर जानिबदार नहीं, बेदार हूँ। बेदार बख्त है नाम मेरा। अरे आप बेदार नहीं, आप सोए हुए हैं। हम इतनी बुरी तरह से हार गए, इस तरह तो कभी हम ताश में नहीं हारे थे। जनाब आप हारे या जीते, लेकिन मेरे पास क्या लेने आए हैं? अरे हम अपना हलका खुलवाने आए हैं, अभी और इसी वक्त हमारा हलका खुलवाए, वरना हम एहतजाज करेंगे। बस इतनी सी बात, हलका खुलवाना है तो अभी खोल देते हैं। जी बताइए क्या प्रॉब्लम है आपके हलके में? मिसिंग करता है, पेट्रोल ज्यादा खाता है, या हलका स्टार्ट नहीं हो रहा? अरे कमाल करते हैं हजूर, हम हलका खुलवाने आए हैं, गाड़ी का इंजन नहीं। तो पहले बताना था। एक मिनट, मुराद बख्श, मुराद बख्श। जी सर जी। और यार ये फरूख सतार साहब हमारे पास हलका खुलवाने के लिए आए हैं। खोल देते हैं जी, मैं अभी साथ वाली गली में गाड़ी का इंजन खोल के आया हूँ, हलका भी खोल देते हैं। यानी एक तो हम हार गए, ऊपर से यहाँ अब हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। एक मिनट मुराद, जरा सामने से गौर सदीक साहब को बुला के लाना। अच्छा जी। फरूक सितार साहब आप इत्मीनान से बैठें, अभी सब कुछ खुलकर आपके सामने आ जाएगा। आइए आइए डॉक्टर साहब, ये आपका एक मरीज हमारे पास आ गया है। ओहो फरूक सितार साहब, क्या हुआ भाई? पार्टी का मंशूर सही तरीके से पढ़ा नहीं जा रहा, या हैदराबाद के लोगों की शक्लें सही नजर नहीं आ रही? हम अपना हलका खुलवाने आए हैं, आप कभी हमें पलाश दिखाते हैं, कभी माहिर इमरादी चश्म को बुला लेते हैं। देखिए डॉक्टर साहब मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। फरूक सतार साहब आपकी नजर बहुत खराब है, अगर ठीक होती तो ये पढ़ लेते। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी हो गया है। चलिए अगले 5 सालों के लिए पंजाब वालों को नया खादिमे आला मिल जाएगा। अब देखना यह है कि जोर सड़कों पर रहता है या इदारे डेवलप करने पर। अगर सास नून लीग की हो और बहू पीटीआई की, तो उनका गुजारा कैसे होगा, आइए देखते हैं। मैं नहीं खा सकती कीमे वाला नान। तमीज से बात करो, आइंदा अगर कीमे वाले नान की तोहिन की तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। तो पता नहीं कीमे वाले नान ने इनके सोचने समझने की सलाहियत क्यों खत्म कर दी। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कहा। माँ जी आप खाना खाइए। हाय हाय कमबख्त, इतना नमक नमक लगे तुम्हारे लीडर को। हर वक्त तो इसका ध्यान पीटीआई के जलसों में होता है, जलसों से ध्यान हटेगा तो ही ढंग का खाना बनाएगी। जिस किचन में ना है लीडर की तस्वीर लगी हो, वहाँ खाना ऐसा ही बन सकता है। खबरदार, जो मेरे कायद नवाज शरीफ के खिलाफ कोई बात की तो। माँ जी आप भी कमाल करती हैं, खाना वो अच्छा बना सकती है। आप बस किचन में इमरान खान की 2-3 तस्वीरें लगा दो। होटल से भी मंगवा लूंगी, पर किचन में इमरान नियाजी की तस्वीर नहीं लगाने दूंगी। तुमने बिगाड़ रखा है इसको। माँ जी मैं तो उसे बहुत समझाता हूँ, समझाने के अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ। रोजाना सुबह दोपहर शाम नवाज शरीफ की तकरीरें इसको सुनाया करो। 10 दिन में अगर ये पीटीआई का नाम ना भूल गई तो मुझे कहना। अच्छा माँ जी मैं उसे जाकर समझाता हूँ। कीमे वाला नान खिलाओ उसको, ताकि अकल ठकाने आए उसकी। जब आएगा इमरान सबकी जान, बनेगा नया पाकिस्तान,
बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। तो माँ जी की बात को बुरा ना मनाया करो, वो थोड़ा पुराने जहन की है ना। बेगम आपने वो गाना सुने, जितना भाई इमरान खान जितना है दूजी जमाता फिर बड़ा पिटना, जितना भाई इमरान खान जितना दूजिया जमाता फिर बड़ा पिटना, जित जावे हुण तरीके ते अज मेरा जी करदा है, इमरान खान जलसे च नचने नू अज मेरा जी करदा। हमारे सब दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सब। मोहतरमा आपने कहीं मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो नहीं देखा? बिल्कुल देखा, अभी अभी कल ही तो टीवी पर एहतजाज का ऐलान कर रहे थे। अरे क्या एहतजाज करेंगे मौलाना, हम तो किसी मायर नफ्सियात को ढूंढ रहे उनके इलाज के लिए। अल्लाह खैर, मौलाना तो बिल्कुल सेहतमंद बल्कि भारी सेहतमंद है, उनका तो दिमाग भी बहुत तेज चलता है। अरे दिमाग तेज नहीं चलता बल्कि चल जाता है। डील की पेशकश निगाहों से जुबान तक पहुँचे, बात चलने के लिए है, अब देखिए कहाँ तक पहुँचे। पनामा तो पनामा, अकामे बेबी ना छोड़ा हमको, हकूमत से जेल की तरफ है मोड़ा हमको। गले पड़ गई बात मखलूक खलाई की, गले पड़ गई बात मखलूक खलाई की, अवाम ने इलेक्शन में खूब धोलाई की। कोई NRO करवाओ, उन्हें किसी तरह मनाओ, जेल से निकालो हमें लंदन ही पहुंचाओ। पार्लियामेंट जाने के लिए राजी हो गई है। ये खुश आइंद बात है कि दोनों पार्टियों को आवाम के मूड का अंदाजा हो गया है, क्योंकि इस वक्त आवाम एहतजाज के मूड में नहीं। मोहतरमा आपने कहीं मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो नहीं देखा? बिल्कुल देखा, अभी अभी कल ही तो टीवी पर एहतजाज का ऐलान कर रहे थे। अरे क्या एहतजाज करेंगे मौलाना, हम तो किसी मायर नफ्सियात को ढूंढ रहे उनके इलाज के लिए। अल्लाह खैर, मौलाना तो बिल्कुल सेहतमंद बल्कि भारी सेहतमंद है, उनका तो दिमाग भी बहुत तेज चलता है। अरे दिमाग तेज नहीं चलता बल्कि चल जाता है, जब से दोनों सीटें आ रहे हैं घर से कुर्सियां तक उठवा दी। कल मुझे कहने लगे आओ पिशावर के साहिले समंदर पर ऊंट का सवारी करते। पिशावर में कौन सा समंदर है? अजी यही तो मसला है मौलाना साहब, टब में पानी भर के कहते हैं आओ आओ तुम्हें दरिया सिंध का सैर करवाते। वो इसलिए कहते होंगे क्योंकि आप उनके पक्के इत्तेहादी हैं। अरे उसी वक्त को रो रहे कि जब हमने उनके साथ इत्तेहाद का फैसला किया था, ये इत्तेहाद अगर इमरान खान के साथ करते तो अकेली जमात इस्लामी की पूरी 12 सीटें होती। सुना है MMA हल्फ नहीं उठाएगी? अरे कैसे नहीं उठाएंगे हल्फ, हमारे आदमी जरूर हल्फ उठाएंगे, और मौलाना साहब सिर्फ आसमान सर पे उठाएंगे। फिराजुल हक साहब, मौलाना तो हारे सो हारे, आप कैसे हार गए? अरे ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे शक है कि हमारे वोटरों को किसी ने इलेक्शन का तारीख 26 जुलाई बताया था। ये कैसे हो सकता है, पोलिंग तो 25 जुलाई को हुई थी। अरे कैसे नहीं हो सकता, मुझे खुद 26 जुलाई को लोग मिले जो पोलिंग स्टेशन का पता पूछते फिर रहे थे। चले छोड़े, खान साहब अब हुकूमत बनाने जा रहे हैं, ऐसे में अब आप क्या करेंगे?
अरे अब हम क्या कर सकते हैं, अब जो करेगा इमरान खान करेगा। हम तो बाहर बैठ कर किस्मत को कोसेंगे या मौलाना साहब के साथ लूडो खेलेंगे। आपकी हार में मौलाना फजलुर रहमान का कितना हाथ है? अरे हमारी हार के अंदर सिर्फ मौलाना का हाथ नहीं है बल्कि पूरा मौलाना। मौलाना ने इमरान खान पर इतनी तनकीद की, इतनी तनकीद की कि अवाम को यकीन हो गया कि इमरान खान जरूर कोई अच्छा आदमी है। यानी मौलाना की तकरीरों का असर उल्टा हुआ। अरे आप असर की बात करती है, मौलाना साहब की तो सारी सियासत ही उल्टी हो गई और साथ साथ हमारा चाबा भी उल्टा दिया। अच्छा अब हमें इजाजत दीजिए। अरे सिराजुल साहब रुकिए तो, कहाँ चल दिए? नहीं अब हम नहीं रुक सकते, आज हमारे घर में मौलाना साहब का दावत है, उनके पहुँचने से पहले पहले मैं कुछ खा पी लूँ, अगर वो पहुँच गए तो हमें सिवाय पानी के कुछ नहीं मिलेगा। खुदा हाफिज। आइए देखते हैं एक स्केच। पाजी अर्ज किया है ये मुलाकात बस एक बहाना है, ये मुलाकात बस एक बहाना है, बुरी तरह हारे यही बताना है। तब मेरा वजूद खलाई मखलूक सियासत में गवारा करती है, पनामा अकामा गठे निकले तो पार्टी यूं ही हारा करती है। ये न थी मेरी किस्मत कि पीएम एक बार होता, ये न थी मेरी किस्मत कि पीएम एक बार होता, बिरयानी खिलाई 10,000 को वोट 1,000 होता। एनआरओ से बिगड़ी हुई तकदीर बना दे, तुझ पे भरोसा है बस रिहाई दिला दे। डील की पेशकश निगाहों से जुबान तक पहुंचे, डील की पेशकश निगाहों से जुबान तक पहुंचे, बात चल निकली है अब देखें कहां तक पहुंचे। पनामा तो पनामा अकामे बेबी ना छोड़ा हमको, हकूमत से जेल की तरफ है मोड़ा हमको। गले पड़ गई बात मखलूक खलाई की, गले पड़ गई बात मखलूक खलाई की, अवाम ने इलेक्शन में खूब धोलाई की। कोई एनआरओ करवाओ उन्हें किसी तरह मनाओ, जेल से निकालो हमें लंदन ही पहुंचाओ। रूठे हैं सब उनको कैसे मनाऊं पाजी, रूठे हैं सब उनको कैसे मनाऊं पाजी, आप ही माफी मांगे तो बात चलाऊं पाजी। आइए आपको दिखाते हैं एक स्केच। Thank you.
नैब सीमेंट, पकड़ गजब की। मुझे उस हलके से हराया गया शहजादी साहिबा, जहां से मैं 25,000 वोटों से जीता करता था। इस बार आप हारे भी 25,000-30,000 वोटों से हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक स्किट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैचलर होस्ट शहज़ादी और आप देख रहे हैं जी प्रोग्राम हॉटलाइन। हमारे आज शो में हमारे दो मेहमान हैं जी। हमारे पहले मेहमान हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब और हमारे दूसरे मेहमान हैं महमूद अचकनज़ई साहब। ये देखो इधर भी हमारे साथ धांधली हो गया यार। हमारा नाम है महमूद खान अचकनज़ई, अचकनज़ई तो मेरा नाम नहीं है। शुक्र करें आपको चिकन ज़ई नहीं कह दिया। आप तो चिकन भी इतने शौक से खाते हैं कि हमारे सामने से भी उठाकर खा जाते हैं। और एक मिनट मौलाना है, और मैं इंटरव्यू शुरू कर लूं हैं? हमारे साथ इतनी बड़ी धांधली हो गई है और आपको इंटरव्यू की पड़ी है। अब यहाँ ना कोई इंटरव्यू होगा और ना कोई हल्फ उठाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ इतना धांधली हुआ, हम कड़ा किसी और हलके से हुआ था और तकरीरें किसी और के हलके में जाके करता रहा। अच्छा चकनी साहब है, वो आप किसके खिलाफ इत्तेहाद करेंगे? आप तो खुद एमएमए के उम्मीदवार से आ रहे हैं। हजरत चकनी साहब, इस होस्ट की बातों में मत आइएगा। 73 के आईन के तराजों में आपके साथ धांधली हुई है, चाहे किसी ने भी की हो। जरा मेरे को तो खुद समझ नहीं आ रहा, मेरे साथ धांधली तो हुए लेकिन मेरा मुजरम कौन है? आपको सबसे ज्यादा बुरा कौन लगता है? सबसे ज्यादा बुरा तो इमरान खान लगता है, जो मेरे पास से जाते मेरे सलाम का जवाब तक नहीं देता है। कमाल है, वो आप दोनों तो एक दूसरे का इंटरव्यू किए जा रहे हैं और मैं जाके फिर धरने पे बैठती हूँ। नहीं, हजरत शहजादी साहब पहले ये बताइए आपने वोट किसको दिया? वो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है, शायद एमएमए को है या फिर मुस्लिम लीग नून को। दोनों में से किसी को भी दिया, बात तो एक ही नहीं यार। एक ही बात कैसे हो गई? यही तो धांधली है, आवाम को याद ही नहीं है कि उन्होंने वोट किसको दिया। इसलिए हमें सारे इलेक्शन को यकसर मुस्तरद करते हैं। मौलाना और टोटल 12 सीटें आपको मिल गई, और क्या चाहिए? इसको यही तो हैरानगी है कि मेरे को 12 सीटें कैसा मिल गया, इसको तो दो पर भी उम्मीद नहीं था यार। मुझे उस हलके से हराया गया शहजादी साहिबा, जहां से मैं 25,000 वोटों से जीता करता था। इस बार आप हारे भी 25,000-30,000 वोटों से हैं। जरा असर बराबर हो गया ना, एहतियात किस बात का? चलो उठो घर चलते हैं। हजरत चकनज़ई साहब, 73 के आइन के मुताबिक पूरे मुल्क में अक्सरियत एमएमए को मिलनी चाहिए थी। हमने तो वजीरे आज़म का हल भी ज़बानी याद कर लिया था। आपको एक ही सूरत में अक्सरियत मिल सकती है, अगर पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग, सॉरी एमएमए में शामिल हो जाएं। ये सब एमएमए में आ गए तो ये एमएमए वाले किधर जाएंगे? और तो और, जिस जगह हम 20 साल से रह रहे हैं वो मकान हमें खाली करने के लिए कह दिया गया है। मौलाना साहब, आपने भी तो ऐसा उस घर पर कब्जा किया जैसे खाली घर पर जिन और भूत कब्जा कर लेती है। मौलाना साहब, हारने के बाद अब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी तो नहीं रहे ना? कश्मीर का मसला, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, इन दोनों का हल निकालना बड़ा ही मुश्किल है। जब तक कश्मीर का मसला रहेगा हम कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहेंगे। हम 20 साल से तो कश्मीर के मसले पर गौर कर रहे हैं। हैं? और अगले 20 साल तक भी गौर करते रहेंगे। वो आप गौर करें, हमारे प्रोग्राम का वो खत्म हो रहा है जी। नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर किसी नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल हमें दें जी इजाजत, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, कैसा लगा आपको आज का शो? हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, क्योंकि जमहूरियत है @24newsagery.tv। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि आप हमेशा से फॉलो करते आए हैं।
फेसबुक सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। हमें दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज। बना घटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है।